जेंसी भेटारिया फ्रॉम राजकोट। हमें रोमेनिया से लाया गया है, रोमेनिया बॉर्डर से। हमारा सिटी जो है वो रोमेनिया बॉर्डर से बहुत नज़दीक तक है, तो हमें वहाँ तक बस में ले जाया गया। फिर रोमेनिया बॉर्डर में हमें अंदर एंटर किया गया और वहाँ से रोमेनिया के एयरपोर्ट, मेन जो कैपिटल पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे ले जाया गया था। और वहाँ से एयर इंडिया की 6 आवर्स की फ़्लाइट थी और हमें कोई दिक्कत नहीं आई है यहाँ आने में। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सपोर्टेड अस ऑल एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हमें बहुत अच्छे से मदद की है और वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। हाँ, हम जाना चाहेंगे क्योंकि हमारी स्टडीज़ बाकी है और हम सेकेंड ईयर में हैं, तो 6th ईयर तक हमें कंप्लीट करनी है। मेरा नाम भव्या चग है, मैं जूनागढ़ से हूँ। मैं MBBS पढ़ रही हूँ BSMU में। हम चरनी बच्ची से है, हमारी कॉलेज वहाँ पे है जो रोमानिया बॉर्डर के पास ही है, इसलिए हमें सबसे पहले निकाला गया है। इंडियन एम्बेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब ने हमारी बहुत हेल्प की है। फ्लाइट में भी कोई दिक्कत नहीं आई हमारे, बस भी उसने अरेंज कर दी है। रोमानिया वाले भी, रोमानियन मिलिट्री ने भी बहुत हेल्प की है। बॉर्डर पर भी कोई दिक्कत नहीं आई और अभी तक हमें इन लोगों ने मतलब छोड़ा नहीं है कि आप लोग चले जाओ, हमको सेफली घर ड्रॉप कर रहे हैं ये लोग। बहुत सेफ, सिक्योर फील कर रहे हैं यहाँ पे आके ये सबको देख के कि हमारे पेरेंट्स, हम यहाँ पे सेफली पहुँच गए। पर एज ए सेफ्टी बोलते हैं तो हमें इवैक्यूएट कर दिया, पर अभी माहौल कुछ ठीक नहीं है रोमानिया बॉर्डर पे। तो भी इंडियन एम्बेसी ट्राई कर रही है, दिन रात कर रही है, हो जाएगा सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट हमारे साथ ही है, बहुत अच्छे से मदद की, सब कुछ उन्हीं ने किया। हमारे साथ कांटेक्ट में रहते थे, हमें अलग अलग फॉर्म फिलअप करवाए कि आप कहाँ हो, क्या हो, और अच्छे से मतलब सब अरेंज कर दिया, बसेस, फ्लाइट, सब कुछ, खाना पीना सब कुछ हमें दिया जाता था। हम अभी सेकेंड ईयर में है, हमें 6th ईयर तक कंप्लीट करना है MBBS की स्टडी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, होप सो, हम जाना चाहेंगे। हमें मोदी सरकार ने बहुत अच्छे से मतलब फ्लाइट और सब अरेंज कर दिया। My name is Anjali Vasani. I am from Amreli. I am a second year medical student in Bukovinian State Medical University, Ukraine. So, बहुत दिनों से जो युद्ध का माहौल था उसमें हम रह रहे थे और मेरे अचानक से जब after attacks in Kharkiv and Kyiv, our flights getting cancelled and इंडियन गवर्नमेंट्स ने बहुत हेल्प की हमें इंडिया वापस पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच टू इंडियन गवर्नमेंट एंड एयर इंडिया की फ़्लाइट्स अरेंज की एंड रोमानियन बॉर्डर क्रॉस करवाए हमने। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली ये हमारा ड्रीम था कि डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं, तो कैसा भी माहौल हो अगर वो स्टडी कंटिन्यू करेंगे तो हम ज़रूर चाहेंगे। और ऑनलाइन है अभी फ़िलहाल तो स्टडीज़, और आई होप कि कुछ ना हो। और जी, मोदी सरकार ने रोमानियन बॉर्डर क्रॉस करवाने से लेके इंडिया लाने तक हेल्प की, और गुजरात सरकार मुंबई से हमारे घर पहुंचा रही है, तो थैंक यू सो मच। खाने की पीने की सारी जो फैसिलिटीज़ उसने प्रोवाइड की है उन्होंने, थैंक यू सो मच, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं राजकोट सिटी से हूँ और यूक्रेन में, वहाँ से मैं चरनी बच्ची से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे मैं MBBS कर रही हूँ और वहाँ का माहौल ऐसा है कि 23 को फर्स्ट बॉम ब्लास्ट हुआ था, तो गुजरात सरकार का मतलब सब लोग, इंडियन एम्बेसी का वो हमें आया था मैसेज कि वो लोग जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करेंगे हमें, तो उसके दूसरे ही दिन उन लोगों ने इवैक्यूएट की प्रोसेस चालू कर दी थी, तो उसी में हम फर्स्ट बैच है जो यहाँ पहुँच पाई है। हम गुजरात सरकार ने भी बहुत हेल्प की हमें यहाँ तक सेफली पहुँचाने में, और मैं राजकोट से हूँ तो वहाँ तक हमें सेफली घर तक पहुँचाएंगे ऐसा इन लोगों ने बोला है। और केंद्र सरकार की बहुत बड़ी हेल्प है, इंडियन एम्बेसी, थैंक यू वेरी मच, जो रोमानियन इंडियन एम्बेसी है उन लोगों की हेल्प, फिर यहाँ की इंडियन एम्बेसी की हेल्प, हम बॉम्बे पहुँचे थे वहाँ की इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत हेल्प किया है, मतलब सब जगह से बहुत हेल्प मिला है हमें। दीकरा दीकरियों,
जेना माँ बाप अलग हे पण सरकार माँ बाप तरीके आदरणीय नरेन्द्र भाई अने भूपेन्द्र भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार ये पोते माँ बाप बनी ने एमनी व्यवस्थाओं युक्रेन थी इंडिया में आए रशिया साथ चर्चा करी पड़े तो रशियानी साथ चर्चा कर आसपासना जे कंट्रीओ युक्रेननी ये कंट्रीओ साथ चर्चा कर भारतना भारतवासी गुजरात विद्यार्थी गुजरातवासी पाछा आए एम सफलतापूर्वक प्रयासों कर अपने जाए थे कि केटला फ्लाइटो ये भारत पहुँचा है। गई काले एक फ्लाइट मुंबई पहुँचू हेमखेम भारत सरकार गुजरात सरकार प्रयास थी ये पहुँचाड़ा है। माननीय नरेन्द्र भाई अमित भाई रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जी और अपना माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई जे संवेदना ये विद्यार्थी आया है। बीजू एक फ्लाइट जे गई काले मोड़ी रात्र दिल्ली पहुँचू गुजरात 27 जेटला विद्यार्थी ये गई काले दिल्ली फ्लाइट में है। गुजरात सरकारे अपनी एसटी विभाग की वॉल्वो बस जो 44 सीटनी है पण बे बसों एटला माटे के एमनो जे सामान छे ए पण साथे साथे आवी शके एटला माटे पूरती व्यवस्थाओं अधिकारी इवन अपनी सेंट्रल फोर्स नी पोलिस पण ये बस में साथ आदरणीय नरेन्द्र भाई मार्गदर्शन नीचे अमित भाई अपना राज्य में मोकली है। विद्यार्थियों जमवानू रहेवानू व्यवस्थाओं करी है, अहीं पण करी है, केसीजी खाते पण करी है। एमना वालीओ वेला मोड़ा आवे, विद्यार्थी आवो होय, फ्रेश थवू होय, रहेवू होय, जमवू होय अने पोतानी ते गाम में जई शके ए प्रकारनी व्यवस्था, कारण के वालीओने दिल्ली जवू, मुंबई जवू, त्यांथी केवी रीते लावा, आ बधी समस्याओमांथी अपना राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई निर्णय कर्यो के वतन में राज्य सरकार पहुँचाड़ी और ये व्यवस्था भागरूपे आज खुशी की बात है। खूब मोटी लैम्बो 35 किलोमीटर की है। गुजरात विद्यार्थियों से सीधी बात मैं रात्र करी है। गुजरात सरकार द्वारा अपनी एम्बेसी ने पण ये विगतों पहुँचाड़ी है। भारत सरकार ये आसपासना बधाज देशों आजेपण जो विद्यार्थियों ने लाया छे ये पड़ोसी जो देश है त्यानो एनी धरती पर आप लाया छे। सीविल हेरफेर एविएशन में बंद हो स्थिति में आप जाए कारण के एमनी सलामती ए सर्वोच्च प्राथमिकता है। त्यारे आदरणीय नरेन्द्र भाई केन्द्र सरकारे सौ प्रथम तो अपना विद्यार्थियों ने भारतीयों की सलामती केवी रीते रहे एमनी व्यवस्थाओं आ स्थिति में भारते जे संबंधों बांध्या ए संबंधों फायदो ये भारतना लोकोने मळी रह्यो छे एनी अनुभूति समग्र देश ने गुजरात करी रह्यु छे। अने ए संबंधों कारण रशिया ने युक्रेन बंने साथे वात करी शके एवी ताकत ए आपणा सरकारनी जनता जनतांना आशीर्वादथी बनेली भारतीय जनता पार्टीनी नरेन्द्र भाईनी सरकारने मळी छे अने एमना कारणे अमने पूरी श्रद्धा छे के बाकी रहेला विद्यार्थी होय के भारतीयो होय ए पण समयसर एमने नुकसान न थाय, एमने तकलीफ न थाय ए प्रकारे भारतमां पण पहोंचे अने गुजरातमां पण पहोंचे। एमने बधा ज वालीओने सांत्वना आपी छे, जे स्थिति छे एमां संयम राखीने ज्यां पण जे माहिती मळे ए गुजरात सरकारनो कंट्रोल रूम अमने पहोंचाड़े, भारत सरकार ने पहोंचाड़े अने आपणी एम्बेसी त्यां पण एम्बेसी छे, आपणी पण एम्बेसी छे। अने मने कहता आनंद थाय छे के रशियाना एक एमपी गईकाले टीवीमां बोलता था के कोई भारतीय होय अने भारतमां ध्वज बतावशे तो एनी व्यवस्था अलग करीशुं। आ भारतना संबंधों ने भारतनी ताकत के जनता जनार्दन आशीर्वाद थी बनी छे। मने पूरी श्रद्धा छे के बधा ज विद्यार्थीओ अने बधा ज लोको ए हेमखेम आपणे लावी शकीशुं अने भविष्यमां रही गेलाने पण कम बाय कम जे रीतनी व्यवस्था बने ए प्रकारे लावी शकीशुं।